आज तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण ने सुप्रीम मान्य कर दिया अपने आप को, और फिर उच्च पोस्ट तहसीलदार जी, यह भी तगड़ी बीमारी, मान बढ़ाई भी जीव में बाधक करती है भक्ति में जीव के लिए। और उस गुमानी दास जो ऋषि वो संत थे विष्णु परंपरा के, विष्णु जी के उपासक, वो नारनौल से आधा एक किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। नित्यानंद जी ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, ये महात्मा कहाँ रहते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके सुबह सुबह चल पड़े उपदेश लेने के लिए घोड़े पर चढ़ के। उधर से गोमानी दास जी अपने आश्रम से, कुटिया से, और घूमने के लिए निकल पड़ा वहाँ से। और उधर से नित्यानंद जी, यानी नंदलाल नाम था इनका, फिर बाद में नित्यानंद नाम रख दिया था, नंदलाल जी आ रहे हैं घोड़े पर चढ़कर उपदेश लेने के लिए। आगे से गुमानी दास जी आ रहे हैं घूमने के लिए दूर तक सैर सपट्टे को, और उन्होंने अपना मुंड मुंडा रखा था, किसने, गुमानी दास जी ने कचकोला कढ़ा रखा था, उस तरह फिरवा रखा था। रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था, तो सत्संग करने आए उस समय तो फ्रेश मूड में घूम रहे थे, कपड़े उपड़े निकाल के अपना शरीर पे कपड़ा बांध कर बस घूम रहे थे, गर्मियों के दिन थे। पहले हम सोण को सोण भी गणे मान्या करते और ब्राह्मण तक गणे मान्या करते। नंदलाल जी ने सोचा कि भाई सामने से एक मनुष्य आ गया, बाल कटवा रहा, मूंड मुंडवा रहा, ये कौन है, वो पहचान सका नहीं रात्रि में, क्योंकि उसने आवाज आवाज सुन रखी थी कि आज मैं अपने जीवन का सौदा करने जा रहा हूं। अब वो इतना प्रेरित हो गया था नित्यानंद जी के, वापस नहीं आऊँगा, नाम ले के आना मैंने, नहीं तो वो सोण कसोण के कारण वापस भी मुड़ जाया करते, कागे से कुसोण हो गए, अब सकुन हो गए, मुंड मुंडाया व्यक्ति दिख गया, वापस चलो, नहीं उस दिन वापस जाना नहीं समझा उसने, उचित नहीं समझा। अब घोड़े पर तो वो तहसीलदार जी और गुमानी दास जी घूमना रहे, सिर पर कपड़ा भी नहीं था। नित्यानंद जी ने उसके निकट ला के घोड़ा और शर्म टोले मारे, नो नो बोले रहा मनोस कित मर गया तू, सुबह सुबह मैंने कहाँ आ गया सुबह सुबह, मैं तो एक अनमोल काम के लिए जा रहा था, तूने कहाँ दर्शन हो गए तेरे आज सुबह सुबह। अब नितान उस गुमानी दास महात्मा ने सोचा कि वो आदमी दिखा था जेंटलमैन, अरे इसने यू के गिरा मुँह रखना बता, शर्म मारे मेरा खाम का टोले। फिर उन्हें सोचा साधु संता गेल भाई ऐसे चलता है, या अपनी करेगा हम अपनी चले, वो तो घूमने चले गए। अब उसने वो पहुंच गया आश्रम में, घोड़े समेत वहाँ पांच चार भगत थे, इब आश्रम के आसपास ऐसा आदमी आता है तो सभी पहुंच जाते हैं, क्या बात जी, कैसे आए, कहाँ से आए। तो नंदलाल जी तहसीलदार जी ने कहा भाई मैं नाम लेना आया हूँ गुरु जी से, महात्मा जी से मनोपदेश लेना है। वो कहने लगे भाई बैठ जा, उतर आ जा, घूमने गए हैं, अभी नहा धो के आते, स्नान करने गए। वो बैठ गया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, और वहाँ बैठा, एक बछा रखा था मैट सा, वहाँ वो बैठ गया, और सामने आसन था गुरुजी का, आसन के पास वो भी बैठ गया, पांच चार भगत बैठ गए, चर्चा चाली भगवान की इतने। अब गुमानी दास जी नहा धोकर वो आसन पा बैठे, जब वो आसन पा के बैठे, जब उन्हें देखा यू आदमी तो वह दो तेरे टोले मार के आया था। अब नित्यानंद जी ने भी देख लिया तो महात्मा वो है जिसका तेने टोले मारे शर्म में। अब बहुत घना शर्मिंदा हो गया, नीचे निगर्तन कर ली रहे तेरा गजब भैयो, आया था मैं इनको गुरु बनाने और देख मैंने के जुलम कर दिया, शर्मिंदा हो गए, नीचे निगर्तन कर ली, ऊपर ने देखे को नहीं। अब जान गए गुमानी दास भगत जी तो शर्मा गए गणे। अब वो कहने लगे भाई बच्चों देखो, उसको कहने लगे उस तहसीलदार जी को कि भाई भगत जी आप जैसे कोई व्यक्ति घड़ा लेने जाता है, मटका लेने जाता है, घड़ा कुमार के थे या बाजार में, तो उस मटके को बजा के देखा रहे भाई कते कच्चा पीला हो, और आपने गुरुजी बजा के देख लिए, क्या दिक्कत है, कोई चिंता नहीं भाई, आप तो जिंदगी का सौदा करने आए थे, गुरुजी को टोले मार के देख लिया,
और एक 2 टके का घड़ा लेते उसने बजा के देखा, अगर भाई बेटा चिंता ना कर, चरणों में पड़ गया वो महात्मा उस नित्यानंद कि महाराज जी गलती हो गई, मेरा मन पहचाना नहीं आपको, माफ़ कर दो। कर दिया बेटा, माफ़ कर दिया, भक्ति करी। और फिर वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़े। नित्यानंद जी कहा करते थे फिर कि मेरा भाई ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक तो वह मरोड़ यानी वो महिमा घड़ी थी और ऊपर तो तहसीलदार है, ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, मरोड़ माने गर्व करता था, अभिमान करता था, जो इस भक्ति मार्ग में कोबद का गढ़ होता है ये इस तरह के मैं क्रियाएं करता था, और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़े। अपनात्माओं, जैसा भी जिस स्तर का कोई संत है, ज्ञान तो वो देता भगवान पाने का, लेकिन मंत्र उनके पास नहीं होते, इसलिए वो जीव का पूर्ण मोक्ष तो नहीं करा सके, फिर भी उनको जितना उनको ज्ञान था नित्यानंद जी को वह पढ़ाई पढ़ा दी। अब नित्यानंद जी की समय क्या कहते हैं, कहते हर सुमर सो हंस कहावे, कमी क्रोधी कागरे, भोरा न भरम में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। बेगम जहाँ कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कहते उस भौरा न भर में विष के बन में, हे मन रूपी, हे आत्मा रूपी भंवर, भौरे तू इस संसार रूपी इस विषय वासनाओं के बन में मत घूमे, चल बेगमपुर बागरे। अब नित्यानंद जी विष्णु लोक को बेगमपुर मान रहे थे, जहां कोई दुख नहीं, लेकिन आपने श्री विष्णु जी की कहानी पढ़ ली होगी, अभी पढ़ी थी श्री देवी पुराण में, कि मैं पहले तो तप करता हूँ, घोर तप करता हूँ, और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ, मुझे कोई चैन नहीं, मुझे कोई सुख नहीं, थोड़ा बहुत समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत कर पाता हूँ। और ये विष्णु लोक को बेगमपुर बतावें, तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्यो जग सारा रोगिया रे। ऐसी ऐसी साधना करने वाले भी रह गए दूरे नित्यानंद जी जैसे, जिन्होंने समर्पण कर दिया, अपना नौकरी भी त्याग दी और इन महापुरुषों के शरण में चले गए, लेकिन फिर भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कहते हैं देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचार, गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोह गियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोह गिया रे। बोलो सतगुरु देव सच साहे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सभी आत्माओं के एकमात्र मालिक ये कबीर परमेश्वर जी हैं, कबीर देव जी हैं। कबीर देव इनका नाम है और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सत्पुरुष ये परमात्मा की उपाधि है। जैसे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ये इनके पद के नाम है, ये पद होता है इनका,
इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है, जिसको हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, हम अपनी भाषा के अंदर उसको कबीर देव, कबीर साहब कहने लगे। साहब माने देव, परमात्मा, राम, अल्लाह। और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर अल्लाह ऐसे जाना गया है। हम परमात्मा को ना पहचान कर हम क्या करते रहे। कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये सब बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के कोई किसी को बड़ा मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है। जो भी जिस देव इष्ट पितर आदि को पूज रहा है वो उससे उसको सुप्रीम मान रहा है। ये तो आपका मत है, आपकी सोच है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या बताता है उसके अंदर वो अंतिम निर्णय होता है। जैसे किसी अपराध के ऊपर कोई कहता है किस पे ये धारा लगेगी, कोई कहता है इस पे 406 लगेगी, कोई कहता है 506 लगेगी, कोई कहे से, तो उसका निर्णय संविधान बत करेगा। संविधान में जो भी वर्णित होगा वो फाइनल होता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म वेद है। अब अपने पवित्र सदग्रंथ हैं, उन सदग्रंथों में जो प्रमाण है वही परमात्मा का अंतिम जो ज्ञान है वही हमें फाइनल होना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही प्रमाण दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है उनके करने से, उन नामों के जाप करने से, उन क्रियाओं के करने से न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही गति होती है। और इन तीन चीज़ों के लिए ही हम परमात्मा की उपासना, साधना, भक्ति करते हैं। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना भक्ति करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों में जो लिखा हुई मानना चाहिए, किसी के लोक वेद पर आश्रित नहीं होना चाहिए, किसी की दंत कथाओं को नहीं मानना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था हम सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इनके आने की, सतलोक से चलकर यहाँ प्रकट होने की तीन प्रकार की क्रियाएं हैं। तीन प्रकार से वो परमात्मा लीलाएं करता है यहाँ आकर के। एक तो एक रूप में तो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है। परमात्मा पूरे विश्व के कंट्रोल के लिए
पूरे असंग ब्रह्मांडों के संभाल के लिए वो तीन सतिथि में क्रिया करता है। एक तो वो सतलोक में रहते हैं, उनका सतलोक के अंदर जो शरीर है उसके एक रोमकूप जो हमारी ये बाल का छिद्र होता है शरीर पे, इसको रोमकूप कहते हैं। एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक तेजो में है सतलोक के अंदर। तो पुण्यात्मा जो सत्य पुरुष को निराकार बताते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, और परमात्मा को निराकार बताते हैं उन्होंने ना भगवान को जाना ना पहचाना ना उनको आध्यात्मिक ज्ञान, वो आपको बहका रहे हैं। और दूसरी सतिथि में वो परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं और एक लीला करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर ही वे विराजमान होते हैं, क्योंकि कमल का फूल बहुत कोमल होता है और उसके ऊपर न कोई जल टिका होता है और न ही उसके ऊपर कोई धूल का कण होता है, और वहाँ से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं जो पिछले संस्कारी ही हुआ करते हैं अधिकतर। फिर परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं लीला में शरीर में, फिर अपने अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते हैं। एक जीवन मनुष्य की सदृश वो लीला करते हुए व्यवहार में लाते हैं और एक जन साधारण जैसे कर्म क्रियाएं करते हैं, अपने हाथों से कार्य करते हैं, निर्वाह करते हैं और साथ में तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते हैं, और उसके साथ साथ असंग ब्रह्मांडों का संचालन भी वही करते हैं। और तीसरी स्थिति है उस परमेश्वर के यहाँ प्रकट होने की या इन ब्रह्मांडों की संभाल करने की, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने की तीसरी स्थिति है कि वे एक साधु संत के रूप में आते हैं, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं या अन्य साधु का रूप बना करके वो प्रकट होते हैं। और अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो पुण्य आत्मा है युगों युगों से भगवान के लिए तरफ रही हैं, लगे हुए हैं, उनको मिलते हैं, उनको ज्ञान से और अपने यथास्थान से, यथार्थ स्थान से, उस सत्यलोक से परिचित कराते हैं। उसके पश्चात वो महात्मा, वो महान आत्मा परमेश्वर की महिमा आँखों देखी हुई अपने अमृतवाणी के अंदर वर्णित करते हैं। ये तीन सतिथि होती है परमात्मा की, तीन सतिथि में परमात्मा शरीर धारण करता है, तीन सतिथि में शरीर है परमात्मा का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरित करती हैं, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है पृथ्वी मंडल पर उस समय परमात्मा धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म का बढ़ावा हो रहा है, उस अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का बढ़ावा करने के लिए परमात्मा आते हैं। जैसे आपने गीता जी में पढ़ा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब धर्म में गलानी हो जाती है, अधर्मी लोग हो जाते हैं, तब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूँ जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में। तो इनका तरीका है जैसे परशुराम जी के रूप में और कपिल मुनि जी के रूप में। अब इस काल भगवान का तरीका है धर्म की पुनर्स्थापना का, कैसे
जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को काट डाला था, अपने फरसे मार दिया था सबको। कारण क्या था कि वो इतने निकम्मे हो गए थे, निर्लज हो गए थे, प्रजा का ठीक से देख रेख नहीं करते थे और न्याय नहीं देते थे। ऐसे ही जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भी लोग बहुत कृतघ्नी हो गए थे, तो उसमें वो दंता अप कटका मर गई। तीसरा ये है कि जैसे यादव बहुत अभिमानी हो गए थे श्री कृष्ण जी का संग पाक है, वो फिर आपस में लड़ मरे थे दुर्वासा जी के श्राप से। तो ये इस तरह पुनर्स्थापना करते हैं धर्म की, क्योंकि निकम्मी आत्मा लड़कर मर जाते हैं, ठीक आत्माएं बच जाती, वो फिर आप धार्मिक हो जाती हैं, बहुत सी आपदाएं आ जाती हैं। और परमेश्वर कबीर जी का जो तरीका है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का तरीका है धर्म की पुनर्स्थापना करने का, कि वो ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से और आध्यात्मिक ज्ञान से हम सबकी सोच बदलते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। यहां जो मारो मार हो रही है वो किस आधार से हो रही है? माया के लिए। इस माया के जोड़ने के लिए इंसान ना इज्जत देखता है, ना बेइज्जती देखता है, ना अपना देखता है, ना पराया देखता है, वो केवल माया ही माया देखता है। और इस माया का अंत क्या होता है परमात्मा बताते हैं, ज्ञान से आधार बनाकर हमें समझाते हैं कि जिस माया के पीछे तुम अंधे हो चुके हो, ना भाई देख रहे हो, ना बहन देख रहे हो, ना माता पिता की तरफ तुम्हारी श्रद्धा रही है, तुम्हें केवल माया दिखाई देती है। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। भक्ति के बिना, परमात्मा की साधना के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं, सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। रावण के पास इतना धन था कि पूरी सोने की लंका यानी अपनी नगरी बना रखी थी, और जब रावण का अंत हुआ, संसार छोड़कर जाने लगा, कहते हैं एक ग्राम सोना स्वर्ण भी साथ नहीं ले जा सका। तो परमात्मा का जो समाज के उद्धार करने का जो तरीका है कबीर भगवान का, वो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से होता है। उस आध्यात्मिक यानी तत्व ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को यहाँ हमारे तक पहुँचाने के लिए, हमारे हृदय में जमाने के लिए, और फिर उस तत्व ज्ञान से क्या क्या लाभ होता है मानव को, वो प्रमाणित करने के लिए परमात्मा एक पूरा जीवन इस पृथ्वी लोक के ऊपर जन साधारण की तरह व्यतीत करते हैं। परमेश्वर कबीरदेव जी सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। परमेश्वर की महिमा के अंदर वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी, अपनी जानकारी देने के लिए कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो कवि कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध कवि की भूमिका करने से वो कवि भी कहलाते हैं, प्रसिद्ध कवियों में से एक होते हैं। लेकिन वो होते हैं भगवान, अपुण आत्मा कवि तो और भी बहुत हैं, उन कवियों ने भी अपनी अनुभव की वाणी लिखी है, परमात्मा कबीर देव जी ने भी वाणी लिखी है, जिनको हम कवि कहा करते थे, और वैसे परमात्मा का नाम ही कबीर देव है।
कबीर साहब है, यानी जो अपनी महिमा की वाणी को कविताओं, दोहों, लोकोक्तियों के माध्यम से ही बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वो कबीर देव, वो नाम उनका कबीर देव फाइनल है। अब परमात्मा की पहचान हमने करनी पड़ेगी, जैसे कवियों में से भी भगवान को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे परमात्मा का जो विधान है वो काल वाले कवियों जैसा नहीं है और काल जैसे वाले भगवानों जैसा नहीं है। अब जैसे एक रहीम जी कवि हुए हैं, रहीम जी ने कहा है कि खीरा सिर से काटकर मलिए नमक लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहत यही सजाए। अब रहीमन जी का उद्देश्य है कहने का कि यदि कोई कड़वे वचन बोलता है, जैसे खीरा कड़वा होता है, उसको एक सिरे से काटकर और फिर उसको ऐसे नमक लगाकर मसलते हैं तो उसका कड़वापन ठीक हो जाता है, निकल जाता है, मीठा बन जाता है। कहने का भाव ये है, यदि कोई कटु वचन बोलता है, बकवाद करता है, गाली देता है तो उसका बक्कल तार दो, उसने कूट छेत दो, अच्छी तरह संवार दो, तो वो सीधा हो जाएगा। ये तो तरीका है काल के कवियों का और काल के भगवानों का, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम जी, जो काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए अवतार थे। और परमात्मा कबीर जी क्या कहते हैं, आवत गाली एक है, उल्टा होए अनेक, कह कबीर ना उलटियो वार है एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, आर चले सो साधु है भाई लाग मरे सो नीच। अब देखो कितना अंतर है। परमात्मा कहते हैं जो तो कु काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वा को मिले तरशूल। तो हमने परमात्मा को पहचानना है और उस परमात्मा के बताए प्रत्येक नियम का पालन करते हुए हम अपना कल्याण करा पाएंगे। नहीं तो ये बात बनाते अपने अपने सिद्धांत थ्योरी बना बना के असंग युग हो गए हमने, या धक्के खात्या ने भटकता ने, यह समाधान कभी नहीं हो सकता। जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, क्या समाधान हुआ? अगले जन्म में वो श्री कृष्ण, रामचंद्र जी श्री कृष्ण बने और वो बाली बना एक शिकारी। फिर श्री कृष्ण जी का वध उस शिकारी ने किया, पैर में तीर मार के, तो क्या समाधान हुआ इससे? तो ये रहीमन जैसे जो अन्य कवि थे, इनकी सोच काल प्रेरित थी। परमात्मा भी एक कवियों में से गिने जाते हैं, क्योंकि वो उनके परमात्मा के इतिहास में, उनकी लीला में लिखा हुआ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 से 21 तक स्पष्ट किया हुआ है। 16 में कहा कि भगवान आपका वास्तविक नाम क्या है, उसका ज्ञान कराएं। 17 और 18 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, वो कबीर परमात्मा कबीर है और वो अपनी कबीर वाणी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी कविताओं से बोलता है, कविताओं से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है अमर परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा होता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है, उस सनातन परम धाम में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है। जहां वो परमात्मा रहते हैं उसको सतलोक कहते हैं,
गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी सतलोक को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जिसका कभी नाश ना हो, उसको सत्यलोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं, वहां चला जाएगा, उसको प्राप्त होगा। यानी वो परमात्मा सत्यलोक में रहता है और वहां से गति करके आता है। यहां आने का उद्देश्य क्या होता है परमेश्वर का, कि वो अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को वो तत्व ज्ञान समझाता है, वो तत्व ज्ञान देता है। अपुण्य आत्माओं, वही परमात्मा अपनी लीला करने के लिए सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उत्तर ते की पणवासी या देसी लैंग्वेज में को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त वो होता है उस समय ना रात होती है ना सुबह होता है, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले वह परमात्मा एक लहर तारा नामक तालाब पर, एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। नीरुनिमा नाम के एक जुलाहा थे, वो निसंतान थे, पति पत्नी थे, और नीरुनिमा उसी जीवन में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, यानी गौरी शंकर नाम था उस पुरुष का और सरस्वती नाम था स्त्री का। ये ब्राह्मण थे, भगवान शिव के उपासक थे और बहुत नेक आत्मा थे। अन्य ब्राह्मणों की तरह ये जनता को ठगा नहीं करते थे, केवल कथाएं सुनाया करते थे, भगवान शिव जी की शिवपुराण से महिमा सुनाया करते थे और जो भी दक्षिणा आ जाती थी उस दक्षिणा से अपना निर्वाह करते थे और शेष अधिक बच जाता था उसको भंडारा कर देते थे, जिस कारण से वो काशी के और आसपास के लोगों के मन में बसे हुए थे, बहुत ज़्यादा जनता उनको चाहती थी। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे वो गौरी शंकर से बहुत ईर्ष्या रखते थे क्योंकि जनता उनके पास ज़्यादा जाने लगी थी। इस बात का ज्ञान मुसलमान धर्म के काजी और मुल्लाओं को था कि गौरी शंकर बहुत ज़्यादा प्रचार करता है हिंदू धर्म का, और उनको ये भी ज्ञान था कि इसके साथ अन्य ब्राह्मण नहीं हैं। अन्य ब्राह्मण जो मुखिया रूप में होते हैं, जो गुरु रूप में होते हैं, वो नहीं हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती, मुसलमानों ने ज़बरदस्ती काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती को अपना जल पिला दिया, उनके कपड़ों पर छिड़क दिया, सारे मकान में छिड़क दिया आवाज़ लगा लगा के। और जो गौरी शंकर से ईर्ष्या किया करते थे वो ब्राह्मण, उनका दाव लग गया, उन्होंने सब नगरी में डंडोरा पिटवा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उससे कोई भी व्यवहार ना रखे हिंदू धर्म वाले, और गंगा में स्नान करना बंद है उनका, इस तरह के भाईचारा बंद करवा दिया। अब मुसलमानों ने उनका नाम, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको कहने लगे नीरू, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे सोरठ कट में, जिस कारण से नीरू और नीमा ये प्रसिद्ध हो गए। इनको संतान प्राप्त नहीं थी, आयु लगभग 60 वर्ष हो गई थी, 20-25-30 वर्ष की उम्र, 40 वर्ष की उम्र में ये मुसलमान बना दिए गए थे। निसंतान होने के कारण ये बहुत दुखी रहते थे, विशेषकर नीमा को बहुत चिंता बनी रहती थी
क्योंकि जिस बहन का संतान नहीं होती ये समाज वाले जीने नहीं देते उसको। वो ऊपर से भले ही मुसलमान बन गए थे पर अंदर से भगवान शिव की वो साधना किया करती थी। तो पुण्यात्माओं ऐसे उनका समय व्यतीत हुआ, संतान उन्हें मिली नहीं। गंगा में स्नान करना उनका बंद कर दिया था हिंदुओं ने, तो उन्होंने उसका विकल्प ढूंढा कि गंगा का जल लहरों के द्वारा पटड़ी पर से उछलकर वर्षा के दिनों में, चौमासे के दिनों में, और ऊपर के उछलकर एक बहुत बड़े झील को एक सरोवर का रूप दे देता था, फिर सारा वर्ष उसमें वो जल भरा रहता था। उसको लहर तारा तालाब बोलते हैं, बनारस काशी में, काशी शहर में है वो लहर तारा तालाब। अब भी उसका अवशेष बचा है, तो वहाँ स्नान करने के लिए जाने लग गए उस गंगा के जल में, जो लहरों के द्वारा उछलकर एक सरोवर का रूप धारण किए हुए था, उसको लहर तारा तालाब कहते हैं। तो वो लहर तारा तालाब में प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे सुबह सुबह। उस दिन जिस दिन परमेश्वर सतलोक से चलकर आए, सन 1398 यानी विक्रमी संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह, उधर से नीरू और नीमा स्नान के लिए चल पड़ते हैं। उधर से परमात्मा सतलोक से आकर वहां विराजमान हो जाते हैं। परमात्मा की वहां प्रकट होते हुए एक अष्टानंद नाम के एक ऋषि थे, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, वो भी वहाँ प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस तालाब के किनारे पर जाया करते थे। स्नान करके वहाँ अपना जैसा उनके गुरुदेव ने साधना बता रखी थी उसको बैठकर वहाँ किया करते थे, अभ्यास करते थे अपने प्रतिदिन की तरह। अष्टानंद जी भी वहाँ विराजमान थे। आकाश से प्रकाश आया, प्रकाश का गोला आता दिखाई दिया, किसको? अष्टानंद जी को। अष्टानंद जी ने जब उस प्रकाश के समूह की तरफ देखा, प्रकाश पुंज की तरफ देखा, उसकी आंखें चुंधियागी, चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी उस तेज को, आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को हम ज्यादा देर नहीं देख सकते और फिर आंखें बंद करते हैं, तो सूर्य का आकार प्रकाश रहित हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा कि उस प्रकाश पुंज के अंदर एक बालक का रूप दिखाई दिया। अब उसने आंखें खोली, दोबारा आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश एक कमल के फूल के ऊपर सिमट गया और उसकी आंखों के आगे वो परमात्मा का जो शिशु रूप था वो जिधर भी नजर करता है आंखों के साथ घूम रहा है। कुछ समय के लिए ऐसा रहा, फिर वो जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं कुछ देर उसकी आकार हमारे साथ रहता है, फिर धीरे धीरे फीका वो करके वो आंखों से ओझल हो जाता है। ठीक ऐसा ही उस अष्टानंद जी के साथ हुआ। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि भी मुझे ये भगवान के दर्शन हुए हैं, मैंने प्रकाश देखा है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई अन्य करिश्मा है प्रभु का। इसके जानने के लिए अष्टानंद जी उठकर चल पड़े और अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी के पास चले गए। महर्षि रामानंद जी उस समय काशी में रहते थे, 1400 ऋषि बना रखे थे उसने प्रचारक, उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। केवल वो ब्राह्मणों को ही दीक्षा देते थे महर्षि रामानंद जी, अन्य किसी जाति वाले को वो दीक्षा नहीं देते थे, ना शिष्य बनाते थे। ब्राह्मण होने के नाते वो अन्य जाति शूद्र जाति वालों से बहुत हेट करते थे, नफरत करते थे, छुआछूत चरम सीमा पर थी। अब रामानंद जी से जब अष्टानंद जी ने पूछा कि हे गुरुवर,
हे गुरुदेव, हे रिसीवर, आज आपके बच्चे ने ऐसा करिश्मा देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा कि एक शिशु रूप था बालक का, मेरी आंखों के आगे से आंखों में प्रकाश रहित दिखाई दे रहा था। और फिर आंखें खोली, क्या देखा कि लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर वो प्रकाश एकत्रित हो गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा था। ए गुरुदेव, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी ये कोई भ्रमना है? इस शंका का निवारण करो प्रभु। महर्षि रामानंद जी ने कहा, पंडित स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ये न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है, न ही तेरा कोई धोखा है। ऐसी लीलाएं उस समय होती हैं जब ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और वो किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं और फिर जन्म लेते हैं। तो कोई अवतार ऊपर के लोकों से आया है और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ से जन्म लेगा। अब इन महापुरुषों की बुद्धि यहीं तक सीमित है कि माँ के बिना जन्म किसी का नहीं होता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी आदि आदि जितने भी इनके अवतार आए हैं, भगवान हैं, ये सभी माँ से ही जन्मे हैं। केवल कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, उसकी कोई माँ नहीं है, कोई जननी नहीं है। ना सतगुरु जननी जने उनके माँ ना बाप, पिंड ब्रह्मंड उनके नहीं ना वा तीनू ताप। अपनात्मा परमात्मा का जो शरीर है, आप और हम जैसा नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में उसमें यही प्रमाण दिया है कि स प्रियागात, परि माने पूर्ण रूप से, अगात माने जिसका कोई पंच भौतिक शरीर नहीं है, अप्रियागात। और वो कैसा है? कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम। कबीर मनीषी, वो कबीर परमेश्वर, मनीषी एक तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट जब होता है, वो शुक्रम अकायम। अब उनका शरीर माता पिता के संयोग से, बीज शक्ति से बना हुआ काया नहीं होती और नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से वो नहीं बनता, असनाविरम है। कुछ वेदों के अनुवादकर्ता यही विचलित हो जाते हैं, केवल एक अक्षर को पढ़कर अकायम असनाविरम। अकायम शब्द को पढ़कर वो समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि परमात्मा काया रहित है, लेकिन आगे ये नहीं पढ़ते कि असनाविरम क्यों लिखा। असनाविरम और शुक्रम, उस परमात्मा का शरीर शुक्र से बना हुआ नहीं है और बनी हुई काया नहीं है, वो उसमें नाड़ी आदि नहीं होती। फिर आगे इसी मंत्र में लिखा, वो स्वयं भू परिभू, वो स्वयं प्रकट होता है। फिर स्वयं भू की क्या आवश्यकता थी? जो इसी से हम निर्णय ले लेते हैं कि परमात्मा काया रहित है, निराकार है। परिभू का अर्थ होता सबसे पहला परमेश्वर, परिभू जो प्रथम प्रगट, और स्वयंभू का अर्थ होता है जिसके कोई जनक ना हो, वो केवल कबीर देव है, कबीर साहब है। अब रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था, जैसा भी ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान कर दिया, अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब क्या होता है, उधर से नीरू और नीमा स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। अब किसी ने कोई रात के समय या शाम के समय नीमा को कोई कह दिया होगा कि एक जातक तो चाहिए था भगवान ने, एक पुत्र तो देना ही चाहिए था, एक पुत्री एक संतान तो चाहिए थी आपके,
आपकी तो उम्र भी घनी होगी, सुनी नहीं परमात्मा ने। अब वो सारी रात नहीं सोई, करवटें बदलती रही, एके भगवान मेरे को संतान नहीं मिली। अपुण्य आत्माओं, इस काल ने इतनी प्रबल प्रेरणा कर रखी हमारे अंदर कि जब संतान उत्पत्ति ना होए तो वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ मानता है, क्योंकि काल चाहता है कि सब संतान उत्पत्ति करें और मेरा भोजन तैयार करें। इतनी प्रबल प्रेरणा या किसी ना किसी के माध्यम से इंजेक्शन लगवाता रहता है, तो जिस कारण से जिसके संतान नहीं होती, कुछ दिनों के बाद उसको कोई ना कोई आकर टोक देता है, वो फिर तड़फ उठते हैं। यही स्थिति होगी थी नीमा की, उस दिन सुबह उठकर रोती हुई चल रही है। नीरू ने पूछा, क्यों रो रही हो आप? नीमा ने कहा, हे भगवान, नीमा रो रही है और कह रही है, विलाप कर रही है अपने भगवान शिव जी के सामने के, हे भगवान, हे शिव जी भगवान, क्या आपके घर में पुत्रों की कमी होगी? आप तो समर्थ हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो, मुझ दासी को भी एक खिलौना दे दे प्रभु, मेरा टाइम पास हो जाए, दुनिया का मुंह बंद हो जावे। ऐसे बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होती तो भगवान दे देते, शिव जी अवश्य प्रदान कर देते। अब उम्र क्या रह गई है, 60-65 साल की उम्र हमारी हो गई है, अब भी तो पुत्र और संतान की अभिलाषा रखती है। देखो, संतान हमारी किस्मत में है नहीं, और आप रो रो के अपनी आंखें खराब कर लोगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पटने वाला है नहीं, आंखें तेरी चली जाएंगी और दुखी हो जाएगी, तू ना रो। ऐसे समझा बुझा के उसको चुप कराने का प्रयत्न उसका पति नीरू कर रहा है। ऐसे चलते चलते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए, जहां परमात्मा शिशु रूप में विराजमान थे, कमल के फूल पर। अब पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर खड़ा रहा। नीमा स्नान करके बाहर आई, फिर नीरू स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब सुबह सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, वो 1.5 घंटा होता है सूर्य उदय होने से पूर्व, और उस समय एकदम अंधेरा बहुत होता है और शीघ्र ही रोशनी होनी प्रारंभ हो जाती है एकदम, ऐसी स्थिति होती है। अब देखना कभी ध्यान से। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर स्नान किया था नीमा ने, उसको धोने के लिए वो पुनः किनारे पर गई, और नीरू नहा रहा था, ऐसे मलमल के पानी डाल रहा था, मसल रहा था, अच्छा सुंडी जितने पानी में खड़ा था, नाभि भी जितने पानी में। अब नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे कोई सांप हो, सर्प हो। परमात्मा ने एक अंगूठा मुख में दे रखा था, एक पैर को हिला रहे थे नवजात शिशु के रूप में ऐसे। अब नीमा ने सोचा, हे भगवान, कहीं कोई सर्प ना हो, मेरे पति को डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखा, क्या देखा कि बच्चा है कमल के फूल पर, बालक है। अपने पति से कहने लगी कि देखियो जी, देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा, या तो मेंटल हो ली, इसको अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे, और कहता है, भगवान इसको सद्बुद्धि दो, ये भूल पड़ा इसके बच्चों की। तो वो कहती है, जी मेरी बात सुनो, देखो बच्चा, देखो बच्चा। वो कहने लगा, नीमा तू पागल होएगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लग गए। अब नीमा कहने लगी, जी मैं सच कहती हूँ, देखो देखो। अब उसने और कसक के साथ कहा, जिधर हाथ का संकेत कर रही थी नीरू ने देखा, सचमुच उससे 10 फुट दूरी पर, 20 फुट की दूरी पर कमल के फूल पर बालक विराजमान।
अब उसने आव देखा ना ताव देखा, उस कमल के फूल समेत तोड़ दिया, उठा लिया बालक को और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच ये तो बालक डूब ही जाता। अपुण आत्माओं, जिस परमात्मा की चाह, जिस परमात्मा की खोज में पुण्यात्माओं ने राज त्याग दिए, राजाओं ने राज त्याग दिया और हजारों वर्षों तक साधनाएं की, जंगल जंगल में वन वन में भटके रहे, भटकते रहे, कोई तप करता है, कोई जप करता है उसको पाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सर्व सुखदायी है, सर्व कष्ट हरण है, वह पूर्ण मोक्षदायक है। उस परमात्मा के साथ हम बहुत सुखी रहेंगे, परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम सदा सुखी रहेंगे, उनके पास रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे। अब वो परमात्मा जिस पुण्यात्मा की गोदी में हो और जिसने सीने से लगा रखा हो उस भगवान को, अब उसको कितना आनंद होगा। अब जैसे बर्फ का स्वभाव है, कितनी गर्म हो चाहे जल गया हो हाथ किसी का पैर, और बर्फ रख दे तो एकदम शांत कर देती है, उसका जलन भी नहीं रहती, छोड़ती। तो ऐसे इस संसार में हम अपने कर्मों रूपी अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं, कोई ना कोई समस्या मन में उत्पन्न रहती है। और जब परमात्मा वो रूपी बर्फ हमारे साथ होती है तो उस समय हमें सब चिंताएं दूर हो जाती है हमारे से, हम किसी भी प्रकार की टेंशन में नहीं रहते हैं। अब नीमा को तो वो आनंद आ रहा, कभी बालक प्राप्त करके सौ सौ शुक्र मना रही है अपने भगवान शिव जी के कि हे भगवान, आज ही आपको तरफ से याद किया था, भगवान शंकर भगवान आपने मेरी सुन ली, आप तो बड़े दयालु हो, बड़े दीन दयाल हो। अपने आत्मा हमारे साथ नो बन रही थी बूढ़ी, हमारे सारे दुख दूर तक रहे था परमात्मा कबीर जी, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म, और हम क्रेडिट दिया करते उस इष्ट ने जिसने हम पूजा करते, जैसे ये दास पहले बाबा श्याम जी ने पूजा करता, और घर में संतान हुई, नौकरी लगी, पास हुआ करते, दादा श्याम जी को क्रेडिट दिया करते उस श्याम जी ने आप ना बेरा तू के था के सांग था उसके आप पैसे थी बुरी। तो ऐसे हम श्री कृष्ण को, कभी श्री रामचंद्र जी को, भगवान विष्णु को सो सो शुक्र मनाया करते, आपने हमारा इतना दुख दूर कर दिया, संतान दे दी, नौकरी दे दी। अब इन भगवानों के इतिहास से पता चला ये तो कुछ भी ना दे सकते हमें, ये तो एज इट इज वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका पुण्य है उतना ही दे सकते हैं, जैसा पिछला संस्कार है प्रारब्ध में ज्यों का त्यों ही मिलता रहेगा, ये कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे ना तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो कबीर परमात्मा ही, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष बताए, पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, राम कहो। एक सरपुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और अक्षर पुरुष है ये सात संग ब्रह्मांड का स्वामी, और सरपुरुष है केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु राम। और 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोग तरमावि से विभर्ति अवैश्वर है। 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु, पुरुष माने प्रभु, तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, जो 16वें श्लोक में वर्णित है, और वही वास्तव में परमात्मा कहता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कि सबकी मनोइच्छा वही पूर्ण करता है और कोई कर ही नहीं सकता। अब निम्मा गुणगारी शंकर भगवान के, और गोदी में ठारी उस परम अक्षर भगवान ने, देख के बन रही हमारे साथ और के बन रही हमारे भगवान के साथ, कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। इब हम अन्य को महत्व देते हैं,
और धनी का नाम ना लिखा जो सब कुछ कर रहा, सब दुख दूर कर रहा, सब सर्व सुखदाई है और हमारे लिए भटक रहा है, कहाँ सतलोक ने छोड़ कर जोड़ मा कर लौट के भगवान अपनी प्यारी आत्माओं के लिए। जो हमारे लिए तड़फ रहा है, भटक रहा है, उसको तो हम भगवान नहीं मान रहे, और जो हमने मार रहा है, जन्म दे रहा है, हमारे सब को नष्ट कर देता है, ऐसे गंदे लोक में छोड़ रखे हमारे को यहाँ इस पृथ्वी पर, कहीं भूकंप आ जाते हैं, कभी महामारी आ जाती है, किधर साइक्लोन आ जाते हैं, हाहाकार मची रहती है, और हम इसको भगवान मान रहे हैं। हमें भगवान की परिभाषा का पता नहीं है, इसलिए हम इसको भगवान मानने बैठे इनको। अब नीमा की स्थिति से हम अच्छी तरह परिचित हो जाएं, आंखों से आंसू नहीं छूटे, हे भगवान कितनी पुण्यात्मा होगी वो जिसके सीने से भगवान लगे हुए हैं और वो लाड कर रही है अपने बच्चे के रूप में, कभी उनका मुख चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सो सो शुक्र मना रही है शंकर भगवान की। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की तरफ विशेष ध्यान रखा करो, इन वचनों पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए आप जिन्हें, कि वो क्यों भटक रही है हमारे लिए, क्यों आ रहे हैं बार बार इतने सुंदर लोक को छोड़कर, जिस लोक को पाने के लिए, जहाँ जाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में जा करके साधनाएं की, और जब उसके आंखें निकालने के लिए कौवे आगे, क्यों इतना दुर्बल शरीर हो गया था उनका आहार ना करने से, अस्थि पिंजर शेष रह गया था, कौवे आकर बैठ गए थे माथे पर कि और तो मांस की तरह शेष रहा को नहीं इस व्यक्ति पर, आंखें निकाल लें इसकी। जब आंखें निकालने के लिए कौवे आकर बैठे माथे पर, जब शेख फरीद ने कहा था कि भाई कौवे मेरी आंखें मत खाना, मेरी आंखों को छोड़ दो, बाकी मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो उसको खा लीजिए, हाड़ों पर इस मांस को खा लो, लेकिन मेरी दो आंखों को ना छूना, मुझे परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, अभिलाषा है, यूं कहकर फूट फूट कर रोने लग गया। तो जिस परमात्मा को पाने के लिए ऐसे कठिन परिश्रम किए, प्रयत्न किए, और वो परमात्मा सहज में उस माई के सीने से लगे बैठे हैं। अब कुछ देर के बाद नीरू स्नान करके बाहर आता है और वो क्या देखता है कि नीमा तो पागलों की तरह इस बच्चे को कभी सीने से लगा रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सिर पे बैठा रही है और कभी आसमान की तरफ झांक रही है। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हमारा कोई ना हिंदुओं में साथी और ना मुसलमानों से इस विशेष हमारा कोई लगाव रहा, अब इतना उनके साथ संपर्क नहीं बन पा रहा, और इस बालक को हम घर ले जाएंगे तो सभी पूछेंगे तुम कहाँ से लाए हो, यदि हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है तो हमारा मजाक करेंगे, कोई विश्वास करेगा नहीं, और पंचायत आदि करके हमें गांव से निकाल देंगे, हमारी पिटाई करेंगे और पूछना चाहेंगे कि सचमुच बताओ तुम किसका नवजात शिशु उठा कर लाए हो, और हमें नगर से निकाला भी दे दिया जा सकता है। अब नीरू ने अपनी पत्नी से सब बातों से अवगत कराया कि आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, ये बालक तो हमारे पास रहेगा नहीं, लेकिन इस नगरी से भी हमें निकाला जा सकता है। तो नीमा ने कहा जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं, ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती।